इस नेता ने आयरन लेडी इंदिरा गांधी से लोहा लिया था। इस नेता ने उस नेता को हरा दिया था जो नेता उस वक्त उत्तर प्रदेश में जवाहरलाल नेहरू से भी ज्यादा लोकप्रिय था। उस नेता तक की जमानत जब्त करा दी थी। इस नेता के सियासी करियर पर अमिताभ बच्चन ने जाकर ब्रेक लगाया था। कांग्रेस के चाणक्य कहे जाते थे, लेकिन कांग्रेस को ही खत्म करने की कसम खा ली थी। दो बार उत्तर प्रदेश के सीएम रहे हेमवती नंदन बहुगुणा। उत्तराखंड के पौड़ी जिले में जन्मे हेमवती नंदन बहुगुणा की कर्मभूमि इलाहाबाद रही। पहले छात्र राजनीति में और फिर मजदूर नेता की पहचान बना चुके बहुगुणा नेहरू की नजर में तब आए जब नेहरू की रैली में बत्ती गुल हो गई। दरअसल इसका किस्सा यह है कि 1951 में नेहरू जब कांग्रेस अध्यक्ष बने तो इलाहाबाद आना चाहते थे। नेहरू के स्वागत के लिए लाल बहादुर शास्त्री ने बहुगुणा को एक रैली करने की जिम्मेदारी दी। फिर क्या था, बहुगुणा ने लोगों को जुटाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। जब रैली हुई तो पुरुषोत्तम लाल टंडन पार्क लोगों से खचाखच भरा हुआ था, लेकिन बहुगुणा को मंच पर जाने से रोक दिया गया। हेमवती नंदन बहुगुणा चुपचाप पीछे चले गए और चाट खाने लगे। अचानक रैली में बत्ती गुल हो गई। वहां मौजूद लोग बहुगुणा बहुगुणा चिल्लाने लगे। बहुगुणा भागते हुए मंच पर पहुंचे। जैसे ही उनके कदम मंच पर पड़े, बत्ती वापस आ गई। लोगों ने नेहरू की मौजूदगी में ही बहुगुणा जिंदाबाद के नारे लगाए। बहुगुणा के विरोधी उन्हें राजनीति का नटवर लाल कहते थे। साल 1974 में कांग्रेस के दिग्गज नेता चंद्रभानु गुप्ता लखनऊ विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे थे। हेमवती बहुगुणा ने ऐसा तिकड़म लगाया कि चंद्रभानु गुप्ता की जीत तो दूर, गुप्ता जी की जमानत तक जब्त हो गई। 1977 के लोकसभा चुनाव के दौरान जब दोनों एक पार्टी में आ गए तो गुप्ता ने बहुगुणा से ही पूछ लिया, बहुगुणा अब बता ही डालो कि 1974 में तुमने किया क्या था। बहुगुणा ने अपनी मुस्कान के साथ जवाब दिया, पुरानी बातों को भूल जाइए बाबूजी। लोकसभा चुनाव के बाद जब मत पेटियों को सेफ हाउस में रखा जा रहा था तो बहुगुणा ने सेफ हाउस के रोशनदान तक को सील करवाया। चंद्रभानु गुप्ता ने उस समय टिप्पणी की थी, अब मुझे पता चला कि उस चुनाव में मेरी जमानत क्यों जब्त हुई थी। सीबी गुप्ता अक्सर कहते थे, बहुगुणा के नाम पर मत जाइए, उनका व्यक्तित्व और चरित्र उसके ठीक उल्टा है। कांग्रेस में रहते हुए और कांग्रेस छोड़ने के बाद भी बहुगुणा इंदिरा गांधी से खूब भिड़े। यूपी के सीएम की कुर्सी पर दो बार बैठने वाले हेमवती बहुगुणा 1952 में पहली बार विधायक बने थे। 1967 में वो यूपी के वित्त मंत्री बने थे। बहुगुणा पहली बार 8 नवंबर 1973 को सीएम बने। उनका पहला कार्यकाल 4 मार्च 1974 को खत्म हुआ। दूसरी बार 5 मार्च 1974 को मुख्यमंत्री बने। इस दौरान उनका मतभेद इंदिरा गांधी के साथ खूब हुआ। बहुगुणा ने एक बार बीबीसी से इंटरव्यू में कहा था, मेरे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही मेरे और इंदिरा गांधी के बीच एक बुनियादी बात पर झगड़ा हो गया। उनका ख्याल था कि मैं हर काम उनसे पूछ कर करूंगा। मेरा कहना था कि बैक सीट ड्राइविंग संभव नहीं है, इतने बड़े प्रदेश को चलाने वाले मुख्यमंत्री को अपना फैसला खुद लेना होगा। मैंने उनसे साफ कहा कि मेरे कंधे पर आपका सिर नहीं हो सकता। 1975 में आपातकाल के दौरान भी बहुगुणा का इंदिरा से जबरदस्त मतभेद रहा। ऐसा कहा जाता है कि हेमवती संजय गांधी के तौर तरीकों से खासे नाराज थे। 1977 के चुनाव में उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। बहुगुणा ने पूर्व रक्षा मंत्री जगजीवन राम के साथ मिलकर कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी पार्टी बनाई। इस चुनाव में उन्हें 28 सीटें मिली। हालांकि बाद में उनकी पार्टी का विलय जनता दल में हो गया। इसके बाद वो देश के वित्त मंत्री भी रहे। 1980 में सरकार गिर गई और मध्य अवधि चुनाव हुए। बहुगुणा इंदिरा के कहने पर एक बार फिर कांग्रेस में शामिल हो गए। चुनाव जीते लेकिन कोई मंत्री पद नहीं मिला। निराश होकर बहुगुणा ने लोकसभा सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। कहा जाता है कि इस वक्त तक वो कांग्रेस में इतना अपमानित हो चुके थे कि उन्होंने कांग्रेस को मिटाने की कसम खा ली थी। हालांकि 1982 में उन्होंने गढ़वाल का उपचुनाव भी जीता जो इंदिरा के लिए प्रतिष्ठा का चुनाव बन गया था। इंदिरा के चुनावी साख पर बट्टा लगाने वाले बहुगुणा से राजीव गांधी ने 1984 में बदला लिया। 1984 के लोकसभा चुनाव में बहुगुणा इलाहाबाद से लड़े। उनके विरोध में राजीव गांधी ने अपने दोस्त बॉलीवुड के महानायक
अमिताभ बच्चन को खड़ा कर दिया। तब तक बच्चन युवाओं के बीच बहुत लोकप्रिय हो चुके थे। लोगों पर बच्चन का इतना प्रभाव था कि चुनाव आयोग ने डीडी पर अमिताभ के फिल्म प्रसारण पर रोक लगा दी थी। दोनों तरफ से खूब प्रचार प्रसार हुआ। उस चुनाव को देखते हुए लोग कहते हैं कि एक बार चुनाव प्रचार के दौरान बहुगुणा और बच्चन का आमना सामना हो गया। पहले जाने के चक्कर में दोनों के समर्थक भिड़ते, उससे पहले अमिताभ अपनी ओपन जीप से उतरे और बहुगुणा से आशीर्वाद लिया, साथ ही पहले आगे जाने का निवेदन किया। इस चुनाव में बहुगुणा को अपने ऊपर भरोसा था कि वो हर हाल में जीत जाएंगे। इलाहाबाद उनकी कर्म भूमि जो ठहरी। बहुगुणा ने अमिताभ के खिलाफ कई नारे दिए। हेमवती नंदन इलाहाबाद का चंदन, दम नहीं है पंजे में, लंबू फंसा शिकंजे में, सरल नहीं संसद में आना, मारो ठुमका गाओ गाना। इस तरह के नारों के बावजूद बच्चन ने बहुगुणा को 1,87,000 वोटों से हराया। इसके बाद उनका राजनीतिक करियर कभी उठ नहीं पाया। 1989 में बहुगुणा का निधन हो गया। यही राजनीति का सत्य है। बड़े बड़े चुनावी धुरंधर को धूल चटाने वाला नेता एक अभिनेता से हार गया। जो भी हुआ हो, बहुगुणा नेता तो हटकर थे, इसलिए आज भी आम लोग उन्हें माटी के लाल और शेरे गढ़वाल कहते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।